नमस्कार, मैं ललिता भारद्वाज किचन ब्लॉग से आज आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली। तो हमें उसके लिए चाहिए, ये देखिए, ये मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने सूजी लिया है और इसी से मैं हाफ कटोरी से थोड़ी सी कम मैं दही लूंगी। थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें और इसी कटोरी से पौना कटोरी से कम मैं पानी लूंगी। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे हम। चलिए पहले इसको मिला लेते हैं। थोड़ा सा और पानी, इसका गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे हम। ये देखिए, और देखिए मैंने 1/4 कटोरी पानी लिया था और जिसमें से ये हाफ से भी कम पानी बच चुका है और हमें सिर्फ ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए अभी ये फूलेगा तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। चलिए अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट के बाद हम इडली बनाना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने इसमें इडली मेकर जो है इसमें मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं इसको ढक्कन से रख देती हूँ। जब तक पानी गर्म होगा तब तक हम अपना एक बार बैटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैटर बनके तैयार है। इसी कंसिस्टेंसी में हमें ये चाहिए। देखिए अब पहले मैं इडली मेकर जो है इसको मैं ग्रीस कर लेती हूँ ताकि हमें इडली निकालने में आसानी हो। चलिए मैंने इन्हें ग्रीस कर लिया है। अब हमें सबसे पहले इसमें हमें डालना है ये एक इनो। आप ब्लू वाला इनो भी डाल सकते हैं। मेरे पास ब्लू वाला इनो नहीं है तो मैं ये लेमन फ्लेवर वाला इनो डाल रही हूँ। एक पूरा पैकेट हम इसमें छोड़ देंगे और थोड़ा सा पानी ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। इसको एक बार अच्छे से फेंट लेंगे। चलिए अब हम इनको इडली मेकर में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ये फूल के बाहर आ जाती है। चलिए अब हमारा पानी बॉईल हो चुका है और अब मैं इसमें इसको स्टैंड को डाल दूंगी और इसका ढक्कन हम लगा देंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं एक बार इसे चेक कर लेते हैं। मैं इसे एक बार चाकू डाल के देख लेती हूँ। ये देखिए इडली तैयार है। चलिए इसे हम ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। डीमोल्ड करने से पहले
चाकू पे थोड़ा सा तेल लगा लें ताकि इडली इस पे चिपके ना। देखिए ये देखिए इडली बन के तैयार है एकदम फुल्लू फुल्लू। देखिए एकदम जालीदार बन के तैयार हुई है ये देखिए। अब मैं आप चाहें तो इसे ऐसे ही चटनी के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे शैलो फ्राई करके खाऊंगी। ये देखिए देखिए इसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे शैलो फ्राई ही करूँगी। और इसे पलटते पलटते हुए थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा सॉसेस के साथ। प्याज डाल देते हैं, प्याज हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसका कच्चापन हटाना है थोड़ा सा। प्याज थोड़ी क्रंची भी रहनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च, दो मिर्च काटी हुई मैंने बारीक करी, और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें करी पत्ता। चलो चलिए इसकी सॉसेस तैयार कर लेते हैं हम। इसमें मैं डालूँगी एक चम्मच ग्रीन चिली, एक चम्मच सोया सॉस और एक चम्मच विनेगर। इन तीनों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए देखिए प्याज बस हमें इतना ही पकाना है। अब साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगी ये कैप्सिकम एक कटी हुई, साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी नमक स्वास्थ्य अनुसार। नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि हमने इडली में भी नमक डाला था। इसको भी हल्का सा हल्का करके हम डाल देते हैं चीनी इसको, और फिर इसमें हम डालेंगे अपने सॉस। थोड़ा सा और पकने देते हैं इसे। अरे अब हम इसमें ये हमारे तैयार हो चुके हैं, डाल देते हैं सॉसेस। इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम इडली। ठीक है हमारे इडली बनके तैयार है, चलिए इसे स्वाद करते हैं। ये देखिए हमारी इडली बनके तैयार है। जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन भी दबाइए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।